नमस्कार दोस्तों, आपका जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ट्वेल्थ के पी बल्क्स एलिमेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, उसके बाद जितना भी टर्म आएगा हम लोग चैप्टर में ही इंक्लूड करेंगे। इससे पी बल्क एलिमेंट्स एग्जाम में, इससे एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं और सब्जेक्टिव भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको थोड़ा सा भी टफ लगने वाला नहीं है। इससे 8 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे। स्पष्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एक चैप्टर मेटालर्जी को कंप्लीट कर दिया है। दूसरा चैप्टर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बाबू, पी बल्क एलिमेंट्स। अब पी बल्क एलिमेंट्स में हम लोग को पढ़ना है ग्रुप 15, 16, 17, 18। ट्वेल्थ क्लास में ग्रुप 15, 16, 17, 18 के बारे में स्टडी करना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम लोग आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पी बल्क एलिमेंट्स। और इससे ट्वेल्थ बोर्ड में 8 नंबर के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं या अन्य बोर्ड में, क्लियर ना। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पी बल्क को पढ़ने से पहले कुछ हमें बेसिक आइडिया होनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो 11th नहीं पढ़े हुए हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए, या कोई पढ़े हुए हैं, जो विद्यार्थी पढ़े हुए हैं भूल गए हैं या अच्छा से नहीं पढ़े हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए कुछ बेसिक टर्म बताई जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, जिसका अप्लीकेशन इसमें बार बार आएगा। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा बार बार इसमें आएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता हिंदी होता है, इसे ट्वेल्थ बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी बार बार इसे पी बल्क एलिमेंट्स में आएगा। क्लियर ना। इस चैप्टर में वायलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आइडिया रहेगा तो हम आसानी से हाइब्रिडाइजेशन सीख सकेंगे। हाइब्रिडाइजेशन भी बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, स्पष्ट ना। चलिए तो हम लोग पी बल्क एलिमेंट्स स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक जान जाए, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए, पहला हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देंगे, उसका मतलब केवल समझ जाना है। जैसे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, तो इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जब टर्म पी बल्क में रिपीट करेगा, बार बार आएगा, तो आखिर बहुत सारे विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के बारे में यदि पता नहीं होगा तो उसके बारे में आइडिया लेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता क्या है, स्पष्ट ना। तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, लिखिए इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हिंदी होता विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है ना। इसको हम लोग संक्षेप में बहु EN या काई के द्वारा सूचित करते हैं, इसको संक्षेप में ही लिखते हैं, क्लियर ना। तो इस टर्म को हम डिफाइन करें कि है क्या इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल A और B है और एक दूसरे से ये कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बंधा हुआ है। ये सिंगल भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, स्पष्ट ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हमेशा डिफाइन होता है बंधित एटम के लिए। जो एटम, मतलब मॉलिक्यूल में एटम एक दूसरे से बंधे होते हैं, उसके लिए ही इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अप्लीकेबल है। बात बुझा है क्या? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसके लिए अप्लीकेबल है? आइसोलेटेड अकेले एटम के लिए कि बाउंडेड एटम के लिए? तो ध्यान रहे, बाउंडेड एटम के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अप्लीकेबल है, स्पष्ट ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है, तो कहिए किन्हीं दो बंधित परमाणुओं के बीच चाहे किसी अणु में किन्हीं दो बंधित परमाणुओं के बीच उपस्थित बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को, ये बॉन्ड के निर्माण में तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से हुआ है, ठीक है ना। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन ये और ये है, किसी एटम द्वारा, एटम ए भी हो सकता है चाहे एटम बी भी हो सकता है,
किसी एटम द्वारा अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति को, अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को, क्षमता को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहा जाता है। जैसे कह दे बंधित परमाणु ए और बी है, यहां तुमसे कह दिया गया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को संक्षेप में ई लिखेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ए का ज्यादा है बी से, तो ए का ज्यादा है बी से, तो ये क्या करेगा, बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो अपनी तरफ जब खींचेगा ना, इसके फलस्वरूप तो ये इधर के तरफ शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, इधर के तरफ जब शिफ्ट होगा तो ये ब्रेक होगा ना, टूटेगा ना, तो ए पर माइनस आ जाएगा, और बी से इलेक्ट्रॉन छीनाया है, इससे इधर के तरफ गया है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं ना है। जैसे और एक एग्जांपल इसी को समझ सकते हैं, इसी पर, जैसे मान लीजिए ए बॉन्डेड बी है, ये इलेक्ट्रॉन है, हम यहां पर कहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ए का ज्यादा है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बाबू बी का ज्यादा हो, ए का हो कम हो, ये भी तो संभव है। तो क्या होगा यहाँ पर, तो बी का ज्यादा है तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा, अपनी तरफ जब एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन छिना गया ना, तो इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है उस पर निगेटिव चार्ज या पार्शियल आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, छीना जाता है, उस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। स्पष्ट ना, तो ये आप ओवरऑल आइडिया समझ गए हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि किसी अणु में किन्हीं दो परमाणुओं के बीच, ये अणु है, किसी अणु में किन्हीं दो परमाणुओं के बीच किसी एटम द्वारा बाउंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, बाउंड में उपस्थित, चाहे कोवैलेंट बाउंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु द्वारा अपनी तरफ खींचने की, छीनने की क्षमता को, प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का बेसिक अर्थ समझा जाना, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मतलब होता है बेमानी करने की प्रवृत्ति, बेमानी करने की प्रवृत्ति। तो किस मामले में बेमानी करने की प्रवृत्ति, तो इलेक्ट्रॉन के मामले में, ना कि रुपया पैसा के मामले में। तो यहां पर ए का बेमानी करने की प्रवृत्ति बी से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है बी के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, तो इस पर कर्ज आ जाएगा निगेटिव, इस पर पॉजिटिव। स्पष्ट ना, ऐसा ही इसमें है, हम कह दिए कि बी का ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ए से, तो बी पर निगेटिव, ए पर पॉजिटिव, मतलब जिसका ज्यादा होगा छीनने की प्रवृत्ति, बेमानी करने की प्रवृत्ति, उस पर निगेटिव, और जिस जो कमजोर होगा इस पर पॉजिटिव। ठीक है ना, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किन्हीं, बोल देंगे तो लिख लीजिएगा, इसको लिख सकते हैं किन्हीं अणु में दो परमाणुओं के बीच किन्हीं अणु में दो परमाणुओं के बीच उपस्थित बाउंड वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को, माने इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को, इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी एटम द्वारा अपनी ओर खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, माने कि विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसे संक्षेप में पैराग्राफ चेंज करके इसी को लिख सकते हैं, इसे संक्षेप में ईएन या काई के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो कुछ यहां पर एलिमेंट्स हम लेंगे इसके बाद,
कुछ एलिमेंट्स लेंगे, उसका वैल्यू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि किसका कितना होता है। तो इससे पहले कि आप इसको नोट करें, आफ्टर दैट हम लिख देते हैं कौन कौन एलिमेंट्स का ध्यान में हम लोग को रखना है, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन के तरफ एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ हम आते हैं, ठीक है ना। नोट करें इसको, तो बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू। पूरे ज्ञात इतना ध्यान में रखना है, पूरे ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व फ्लोरीन होता है। कौन सा होता है, तो फ्लोरीन होता है। अब सबसे कम सीजियम होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम यहां पर देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का ऑर्डर कुछ एलिमेंट्स का, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का देख रहे हैं, ठीक है ना। तो पूरे ज्ञात तत्वों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू फ्लोरीन का होता है। कितना होता है, तो 4.0। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पूरे ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पूरे ज्ञात तत्वों में अधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता है तो फ्लोरीन, ठीक है ना। चाहे पूछ सकता है कि निम्न में प्रबल विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व हैं, और ऑप्शन में फ्लोरीन है तो डेफिनेटली फ्लोरीन होगा। उसके बाद सेकेंड होता है वो मेरे ऑक्सीजन, ठीक है ना, इसका होता है 3.5, स्पष्ट ना। उसके बाद मेरे भाई होता है नाइट्रोजन, और क्लोरीन का लगभग सेम होता है, इसका भी 3.0, इसका भी 3.0, ठीक है ना। उसके बाद होता है ब्रोमीन का, Br ब्रोमीन 2.8, ठीक है ना। उसके बाद होता है आयोडीन, सल्फर और कार्बन का, तीनों का सेम होता है 2.5। उसके बाद होता है फास्फोरस और हाइड्रोजन का, एकदम सेम होता है 2.1। उसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट होता है जितना धातु आ जाए मेटल का, स्पष्ट ना। और मेटल में भी सबसे कम सीजियम का होता है, सबसे कम किसका होता है, सीजियम का होता है, सीजियम का 0.7 होता है। अब कहिए सर मेटल के कितना होता है, तो मेटल में जितना भी धातु है जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बेरियम, बुझा रहा है ना, पोलोनियम, सब धातु आ जाएंगे, क्लियर ना। तो सबको मेंशन नहीं किया गया है, केवल कुछ अधातु लिए गए हैं और सीजियम धातु को लास्ट में ले लिया गया है। तो तुमसे पूछा जाए पूरे ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वाला तत्व कौन है, तो फ्लोरीन। और सबसे कम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वाला धातु कौन है, तो सीजियम, ठीक है ना। कौन है बाबू, सीजियम। कितना होता है, 0.7। तो ये वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जिससे कि हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितना भी आएगा तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ऑक्सीडेशन स्टेट को भी आसानी से हम लोग समझ सकेंगे कॉम्प्लेक्स इन कंपाउंड में, क्लियर ना। जैसे मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछ दे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे दे सब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्टिव तो बोल के समझा दिया हमने, इसको डीपली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ाया है 11th में, ठीक है ना। फिर 11th स्टार्ट होगा तो यूट्यूब पर अपलोड होगा हर टॉपिक सिक्वेंशियली, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल के बनवा दिए, जैसे सब्जेक्टिव पूछ रहे हैं राइट द इंक्रीजिंग, ये मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब किसके लिए बाबू, तो आपको दे दिया है मान लीजिए कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, तो इसका आंसर बताना है मेरे को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव समझा दिए कैसे पूछा जाएगा। तो बताओ इसमें यही ना है, तुमको पता है कि इसका 4 होता है आयोडीन, इसका कितना होता है देखो तो 2.5 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, फास्फोरस का 2.1 होता है, यही तो है। अब ऑर्डर सजा देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का है, तो फ्लोरीन। उसके बाद क्या है, फ्लोरीन के बाद क्या है, ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन। उसके बाद क्या है, कार्बन और फास्फोरस में कार्बन का है, उसके बाद मेरे भाई फास्फोरस का, यही हमारा आंसर हो जाएगा,
स्पष्ट ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनवा दिया गया है बोल के, ठीक है ना। इसको डीपली नहीं पढ़ा सकते बाबू, केवल हमको ट्वेल्थ में जितना भी अप्लीकेशन आया थोड़ा बहुत उसको कर लेंगे। डीपली पढ़ना है तो इलेवेंथ स्टार्ट होगा, तो अपलोड होगा वीडियो, आप देख सकते हैं। क्लियर? तो इसको आप नोट कर सकते हैं छोटू। तो बच्चों जो हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का ऑर्डर ध्यान में रखने के लिए, इसको याद करने का टेक्निक आप समझ सकते हैं कि यहां से यहां है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फोन। क्या बोल सकते हैं भाई मेरे? फोन, फोन एफ ओ एन। तो सबसे ज्यादा फोन में फोन लिखिएगा तो सबसे ज्यादा फोलिन तब ऑक्सीजन तब नाइट्रोजन। उसके बाद यहां से यहां तक बोल देंगे क्लब। क्लब माने कल मतलब क्लोरीन, ठीक है ना। ब माने ब्रोमीन। इश्क यहां से यहां तक इश्क, इश्क यानी आयोडीन सल्फर कार्बन, तीनों का सेम होता है। उसके बाद प्यार है, प्यार है दैट मींस पी फास्फोरस है एच हाइड्रोजन, इश्क प्यार है। फोन क्लब इश्क प्यार है, मेटल बोल सकते हैं इसको मेटल। क्लियर ना? तो इसको इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, स्पष्ट ना, कंफ्यूजन नहीं ना है। इसका कुछ ट्रेंड जान जाइए, इसका ट्रेंड जान जाइए पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, पीरियोडिक टेबल में किस तरह से ट्रेंड करता है उसका बेसिक आइडिया हम दे दे रहे हैं, स्पष्ट ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं आप लोग, लिख ले सकते हैं ये, आप नोटबुक में जरूर नोट करिएगा ट्वेल्थ के लिए, स्पष्ट ना। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान देना भाई, जैसे मान लीजिए हम पीरियोडिक टेबल को कंसीडर करते हैं, तो ये पीरियोडिक टेबल हमारा इस तरह का स्केलेटन है। पीरियोडिक टेबल का कुछ इस तरह का स्केलेटन है, ढांचा है, ठीक है ना। इस नीचे की तरफ दो है, स्पष्ट ना। यहां से यहां जो ब्लॉक होता है वह एस ब्लॉक है, ये जो बीच वाला पार्ट है ये डी ब्लॉक है, और इधर वाला पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18, जिनमें से हमको 15, 16, 17, 18 पढ़ना है, ठीक है ना। ट्वेल्थ में क्या क्या पढ़ना है मेरे को? 15, 16, 17, 18 पढ़ना है, स्पष्ट ना। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का ट्रेंड देख रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रहे कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये सब ग्रुप होता है, दिस इज आवर ग्रुप। ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कहां से कहां? ऊपर से नीचे, माने टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम होगा ऊपर से नीचे, तो उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप, जिसको हिंदी में वर्ग के नाम से जाना जाता है। लेफ्ट टू राइट जाए यही चीज, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यही चीज लेफ्ट टू राइट पार्ट में, लेफ्ट टू राइट जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं पीरियड, जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं भाई मेरे? आवर्त कहते हैं, स्पष्ट ना, कंफ्यूजन नहीं है। अब यही चीज इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में रिलेट करना है, तो ध्यान रहे पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट दैट मींस पीरियड, लेफ्ट टू राइट दैट मींस आवर्त, लेफ्ट टू राइट आवर्त, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मान बढ़ता है। ध्यान रहे ये बात, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मान बढ़ता है, स्पष्ट ना, केवल ग्रुप 18 को छोड़कर, क्योंकि ये निष्क्रिय होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, ये कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ना इलेक्ट्रॉन को ये छीनते हैं, मतलब ना ग्रहण करते हैं ना ही त्याग करते हैं। कुछ रेयर केस में
इसमें एलिमेंट्स है जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग को ग्रुप 18 में पढ़ना है। स्पष्ट ना? तो ये बात आप नोट कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, दैट मींस आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मान बढ़ता है। स्पष्ट ना? नेक्स्ट समझिएगा दूसरा, यही चीज हम लोग टॉप टू बॉटम माने वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में टॉप टू बॉटम माने ऊपर से नीचे। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में वर्ग में, पीरियोडिक टेबल के वर्ग में टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम माने वर्ग ना ग्रुप है ना, टॉप टू बॉटम माने ग्रुप, टॉप टू बॉटम आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, आने पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मान घटता है, घटता है। स्पष्ट ना? बहुत सारे एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हम पीरियड में जाते हैं, जैसे ये सेकेंड पीरियड है आपका, सेकेंड आवर्त है, सेकेंड आवर्त है। स्पष्ट ना? इसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इधर लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मान बढ़ेगा, दैट मीन सबसे ज्यादा फ्लोरीन तब ऑक्सीजन तब नाइट्रोजन कार्बन। स्पष्ट ना? ये आवर्त में गए हैं, लेफ्ट टू राइट गए हैं। यही चीज हम वर्ग ले ले, यहां पर ग्रुप एक ले लेते हैं, मान लीजिए ग्रुप फर्स्ट ए या फर्स्ट ले लेते हैं। कौन कौन सा एलिमेंट है मान लीजिए जो धातु है उसको ले रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम, ठीक है ना। तो ये वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मान घटेगा। नीचे की तरफ क्या होगा? घटेगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मान क्या होगा? घटेगा। दैट मीन सबसे ज्यादा यहां पर बात करें हम कि ऑर्डर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का बता दीजिए तो क्या होगा, तो सबसे ज्यादा लिथियम का होगा, तब सोडियम का होगा, तब किसका होगा? पोटेशियम का होगा, तब रोबिडियम का होगा, तब किसका होगा? सीजियम का होगा। इस तरह के ऑर्डर हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपको इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का बेसिक आइडिया हम समझा दिए हैं कि क्या होता है, कैसे देखना है, वेरिएशन कब आएगा। तो ये बार बार रिपीट करेंगे पी वाले अक्ष में, ठीक है ना। चलिए तो इसको नोट करिए, हम नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगा वो एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, ठीक है ना। त्रिज्या नाम की चीज आएगी आपके इस पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, तो उसको थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, बहुत बेसिक थोड़ा सा, जिसके बारे में मतलब एटॉमिक रेडियस क्या वही समझेंगे, डीपली अध्ययन नहीं करेंगे, उसमें भी वही आपको जनरल ट्रेंड बता दीजिएगा जिसके बेसिस पर हम लोग को चलना है। स्पष्ट ना? डीपली आपको ये अध्ययन करना है इस सभी सब टॉपिक्स के बारे में, तो आपको इलेवेंथ में एक बार फिर से पढ़ना होगा। स्पष्ट ना? चलिए तो एटॉमिक रेडियस के बारे में थोड़ा सा जानिए। एटॉमिक रेडियस हिंदी होता है परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या क्या है? तो यह एक ना दूरी है, क्या है? यह एक डिस्टेंस है। और कौन सा डिस्टेंस है? तो किसी एटम के नाभिक, ये नाभिक है, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है ना। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन तुमको दिखाई दे रहा है इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। किसी परमाणु के नाभिक और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के दूरी को, ये जो दूरी है इसी को हम लोग एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये
ये डिपेंड करता है कि जो आपका एटम है किस तरह का है, ठीक है ना। कोवैलेंट रेडियस भी हो सकता है, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस भी हो सकता है। तो यहाँ पर केवल हम बेसिक टर्म को समझ रहे हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन क्या है, कहिएगा कि यह एक दूरी है, इट इज डिस्टेंस। यह क्या है, दूरी है। इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहिएगा, एटॉमिक रेडियस क्या है, तो कहिए किसी परमाणु के उसके नाभिक और आउटर मोस्ट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। तो इंग्लिश में यहां पर लिख सकते हैं कि इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहे। तो आप ये समझ गए कि एटॉमिक रेडियस क्या है, स्पष्ट ना, एक बार फिर समझिएगा एटॉमिक रेडियस क्या है, परमाणु त्रिज्या क्या है। तो कहिए किसी परमाणु के उसके नाभिक और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, स्पष्ट ना। अब इसका ट्रेंड देख लेते हैं, जनरल ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ध्यान दीजिएगा सारा, ध्यान देना बाबू मेरे, जनरल ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, जनरल ट्रेंड इन पीटी माने पीरियोडिक टेबल, ध्यान रहे। आप समझ गए कि कौन सा आवर्त होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आवर्त होता है, टॉप टू बॉटम माने ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रुप होता है, ध्यान दीजिएगा छोटू। पहला हम लोग देख रहे हैं आवर्त में, ठीक है ना, ध्यान देना, पहला इन पीरियड, ध्यान देना भाई, पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो परमाणु का आकार छोटा होता है, सिकुड़ता है, जिसकी वजह से उसका साइज, एटम का साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बाबू, क्या होता है, उसका रेडियस कम होता है, ठीक है ना। तो आवर्त में किसमें बाबू, आवर्त में, हिंदी क्या होगा, आवर्त में, लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु का आकार सिकुड़ता है, अर्थात घटता है, फलतः एटॉमिक रेडियस भी घटता है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सेकेंड पीरियड को लेते हैं, सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, जैसे मान लीजिए कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, स्पष्ट ना, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इसका ये परमाणु का आकार इतना बड़ा है, ठीक है ना, तो इस परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इस परमाणु का आकार और छोटा हो जाएगा, इस परमाणु का आकार और छोटा हो जाता है। तो जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है और एटॉमिक रेडियस घटते जाता है, बात समझ में आया ना। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो होगा क्या होगा, घटेगा, समझ में आया क्या बात, ये हमेशा ध्यान रहे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार सिकुड़ता है, छोटा होता है। अब यही चीज हम लोग ग्रुप में आते हैं, किस में आते हैं दूसरे बाबू, वर्ग में, इन ग्रुप, ध्यान देना, ग्रुप में टॉप टू बॉटम माने ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम आने पर परमाणु का आकार
परमाणु का आकार लगातार बड़ा होने लगता है फलता एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। जैसे इसी पॉइंट को समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम बाबू मेरे लेते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप को लेते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप को लेते हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबोडियम, सीजियम, ठीक है ना, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका 37 होता है, इसका 55 होता है परमाणु संख्या, ठीक है ना, ध्यान देना। इसका विन्यास लिखेंगे तो 2-1, इसका 2-8-1, ऐसे ही इसका और बड़ा बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो सेल की संख्या बढ़ती है, किसकी संख्या बढ़ती है, सेल की संख्या लगातार बढ़ते जाती है। दैट मीन्स जब सेल बढ़ेगा किसी एटम का, ये सेल की संख्या ही बढ़ रहा है तो आकार भी क्या होगा, एक्सपांड होगा, बढ़ेगा। तो जैसे मान लीजिए इसका साइज इतना बड़ा होगा ना, तो इसका बढ़ जाएगा इतना बड़ा, इसका इससे भी बड़ा हो जाएगा। बात बुझा है क्या, थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं। इसका साइज मान लीजिए इतना बड़ा है तो इसका हो जाएगा इससे थोड़ा बड़ा, इसका हो जाएगा इससे भी थोड़ा बड़ा, इसका हो जाएगा इससे भी थोड़ा बड़ा, इसका हो जाएगा इससे भी थोड़ा बड़ा। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे आते हैं तो ध्यान रहे हमेशा एटॉमिक एआर बढ़ेगा, एरो के निशान ऊपर माने एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, नीचे रहेगा तो घटेगा। तो ये था मेरे भाई एटॉमिक रेडियस के बारे में, मोटा मोटी आपको समझ में आया है कि क्या होता है, तो इसको आप नोट करें। तो बच्चों हम इसके आगे आपको होमवर्क दे रहे हैं, जो 11th अच्छा से कहीं पर भी पढ़े हो उनके लिए होमवर्क ये है कि आप वायलेंस इलेक्ट्रॉन वायलेंसी को पढ़ लीजिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी आपको पढ़ाया गया होगा उसको पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता को पढ़ लीजिएगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हम चैप्टर में जैसे जैसे आएगा ना तो वहां पर हम कवर चलते करेंगे, स्पष्ट ना, यदि है तो पढ़ लीजिए, फिर हम पढ़ाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत कहीं पर भी नहीं होगा। तो जितना भी टर्म अब हम बेसिक में छोड़ रहे हैं सबको हम लोग चैप्टर में ही, जब चैप्टर आएगा उसी समय डिटेल्स देंगे, ठीक है ना, उसी समय डिटेल्स देंगे तो क्या होगा कि आपका हमेशा ताजा रहेगा ध्यान। अभी हम पढ़ा देंगे तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा टॉपिक है तो भूल जाइएगा, स्पष्ट ना, तो चैप्टर में ही हम अब उसको डिटेल्स करेंगे, समझ में आया ना। तो आज थोड़ा बहुत बेसिक बताया जो बहुत जरूरी था शुरुआती, क्लियर ना। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 15 पहले पढ़ेंगे, पी ब्लॉक्स में हमको पढ़ना है ग्रुप 15, 16, 17, 18, चार ग्रुप का अध्ययन करना है 12th में, जिसको डीपली हम लोग अध्ययन करेंगे, असाइनमेंट हर चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्लियर ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, धन्यवाद।